पटना नगर निगम बेच रहा है शौचालय का पानी होटल्स में। ये शौचालय का पानी सप्लाई किया जा रहा है। नगर निगम कार्यालय के कुछ ही दूरी पर चलता है पानी बेचने का ये पूरा खेल। पटना नगर निगम के शौचालय में पानी रखा जाता है आमजनों को शुद्ध जल देने का नगर निगम दावा करता है, लेकिन सच्चाई इससे इतर है, कुछ और है सच्चाई। और सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। जी बिहार झारखंड का ये बड़ा खुलासा नगर निगम के दावों को फेल करता है। ये खुलासा बताता है कि किस तरह से दबे छुपे अंदाज में ये घिनौना खेल खेला जा रहा है। होटल्स में शौचालय का पानी सप्लाई किया जा रहा है। दावा ये किया जाता है कि शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है, लेकिन कितना शुद्ध है ये पेयजल, ये तस्वीरों में देखिए। जी मीडिया संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बड़ा खुलासा किया है जी बिहार झारखंड ने। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पानी दिया जाता है और चूंकि शौचालय का पानी है तो शौचालय का पानी स्नान करने में या फिर बाथरूम जाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वही जो पानी है उसे खाना बनाने के लिए दिया जाता है, लोगों को पानी पीने के लिए दिया जाता है। तो इस तरीके से जो नगर निगम जो है वो इतने गलत तरीके से काम करवाती है, बावजूद उसके उसके टेंडर पास होता है, इस तरीके से जो कार्य हो रहा है ये काफी गलत है। और चूंकि जी बिहार झारखंड ने इससे खुलासा किया है, अब इस पर देखना होगा अगर नगर निगम कमिश्नर किस तरीके से इस पर एक्शन लेते हैं। लेकिन जो दृश्य सामने आई है उसमें साफ तौर पर दर्शाया गया है कि जो बच्चा है वो पानी खरीद कर ले जाता है और 30 रुपए से लेकर के 60 रुपए तक ड्रम बेचे जाने की बात कही जाती है। तो एक बहुत बड़ा इसमें कहीं ना कहीं दलाली की बात आ रही है सामने कि कौन इस बीच में शामिल है जो इस तरह के काम करवा रहा है, और नगर निगम की भी बदनामी की जा रही है। तो नगर निगम के कहीं ना कहीं कोई अधिकारी के मिली भगत के कारण ही इस तरीके का काम किया जा रहा है। हालांकि वहां जो बच्चे हैं, जिस तरीके जो दृश्य में दिख रहा है कि बच्चे खुद कह रहे हैं कि 30 रुपए छोटा डब्बा और बड़ा ड्रम जो है 60 रुपए में भर के और दिन भर में 5 बार ले जाते हैं, तो हर एक तरह का अलग अलग रेट तय किया गया है और उस तय के मुताबिक वो पानी वहां से भर कर ले जाते हैं। कई होटलों में इससे पानी इससे खाना बनाया जाता है। खेल खेला जा रहा है, सिर्फ पानी शौचालय का सप्लाई करने तक ये खेल सीमित नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए टेंडर जारी होता है, शुद्ध पेयजल देने की बात कही जाती है। वो पैसा कहां जा रहा है, उसके पीछे क्या कुछ चल रहा है, ये भी अहम है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार दावे करती है, सरकार अपने स्तर से सारे कार्य करती है, सारी योजनाएं लाती है, बावजूद उसके योजनाओं पे सिर्फ पेपर पर ही योजना जहां तक दिखती है। और जो यहाँ के निगम अधिकारी है वो क्योंकि 2-3 समस्याएं और भी है कि हर कुछ महीनों में निगम कमिश्नर को चेंज कर दिया जाता है, जिससे की कार्य बाधित होती है और लगातार कार्य होने के बावजूद भी वो धीरे धीरे काम ठप होता जाता है और फिर दूसरी योजनाएं आती है। तो इस तरीके से कई ऐसी समस्याएं जो है नगर निगम के द्वारा आती रहती है और उसके बावजूद इस तरीके के जो मामले सामने आए हैं उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये काफी लंबे समय से चल रहा है। ये सबसे सोचनीय विषय है कि इतने लंबे समय चल रहा है, कौन इसके बीच में दलाल है, कौन इसका पैसा ले जाता है, और शुद्ध पेयजल की जो बात करती है वो शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता लोगों को और ये गंदे पानी को पिलाया जाता है, खाना बनाया जाता है। तो एक इसमें काफी शिकायत जो हम मिली है, अब इसमें देखना होगा कि नगर निगम आयुक्त किस तरीके से इस पर कदम उठाते हैं और बिल्कुल क्या कुछ जवाब भी देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। संजय, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। तो बड़ा खुलासा जी बिहार झारखंड की तरफ से किया गया, जहां ये समझ में आ रहा है कि दावे ये होते हैं कि शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है, लेकिन दिया यहां पर शौचालय का पानी जाता है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे कटिहार से, एक खबर जहां युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई।